हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका BS20 से प्रेडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं इमरान D20 की, जो कि इस सीरीज़ का 12वां मैच होगा अजमान एंड दुबई के बीच। यह मैच 18 अक्टूबर को के 11 बजे शुरू होगा। बरसात होने के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू की बात की जाए तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा, ग्राउंड है ये। पिच रिपोर्ट में बात की जाए तो पिच बैलेंस विकेट है बैटिंग और बॉलिंग के लिए। फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहेगा वो आपका 145 का रहेगा। अजमान प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इनकी तरफ से सागर कल्याण ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करते हुए अब तक इन्होंने 54, 38 और 15 की इनिंगें खेली हैं अपने तीनों मैचों में। अदनान मुल्किन के साथ ओपनिंग करेंगे। अदनान ने 3, 9, 10 की इनिंग खेली है। उस्मान खान की अगर बात करें तो नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं अपनी टीम के लिए। 16 रन बनाए थे इन्होंने पहले मैच में। एक ओवर की गेंदबाजी की थी जिसमें एक विकेट भी मिला था। उसके बाद 10 और 58 की इनिंग रही है। लास्ट मैच में इन्होंने 58 बनाए थे। राहुल चोपड़ा की अगर बात करें तो 18, 23 और 0 की इनिंग रही है इनके अब तक तीनों मैचों में। अरियान लड़का की बात करें तो 38 पहले मैच में बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। दूसरे मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी की, 8 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले। और तीसरे मैच में इन्होंने 76 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिले। अंकुर सगवान की बात करें तो पहले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट। दूसरे मैच में 1 रन बनाया, बैटिंग का मौका मिला। 4 ओवर की गेंदबाजी इस मैच में भी की और 1 विकेट निकाला। लास्ट जो आखिरी मैच इन्होंने खेला उसमें 4 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। सिराज अहमद की बात करें तो पहले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट। दूसरे मैच में बैटिंग का मौका मिला, जल्दी आउट हो गए, खाता नहीं खुला। और इस मैच में इन्होंने 1 रन की गेंदबाजी की, 1 ओवर की गेंदबाजी की थी जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। तीसरे मैच में इन्होंने 2 ओवर फेंके जिसमें इन्हें 1 विकेट मिला था। ए शकूर की बात करें तो इन्होंने पहले और दूसरे मैच में 1-1 रन बनाया, लास्ट मैच में इन्हें बैटिंग का भी मौका नहीं मिला। मोहम्मद अजमल की अगर बात करें तो पहले मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट निकाला। दूसरे मैच में 2 रन बनाए बैटिंग करते हुए, 3 ओवर की गेंदबाजी की, 2 विकेट। और लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्हें 1 विकेट मिला। मोहम्मद इस्माइल की अगर बात करें तो पहले मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। दूसरे मैच में 1 रन बनाया बैटिंग करते हुए, 4 ओवर गेंदबाजी, 1 विकेट। और लास्ट मैच जो तीसरा मैच इन्होंने खेला उसमें 4 ओवर गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। अपने तीनों ही मैचों में इन्होंने अपने पूरे 4 ओवर फेंके हैं, तो इसलिए और ये डेथ में भी बॉलिंग कराना है तो इन्हें अपनी टीम में लेके चलना बनता है। सईद इसम की बात करें तो पहले मैच में इन्होंने 3 गेंदें फेंकी थी जिसमें इन्होंने 1 विकेट निकाला। दूसरे मैच में इन्होंने 3 रन बनाए बैटिंग करते हुए और 3.1 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्हें विकेट नहीं मिला। लास्ट मैच में इन्होंने 2.5 ओवर की गेंदबाजी की जिसमें इन्होंने 4 विकेट निकाले। स्टार्टिंग के ऊपर आपके लिए लेके आएंगे सिराज अहमद, मोहम्मद अजमल, अंकुश सागवान, मोहम्मद इस्माइल। डेथ ओवर में आपके लिए RNR का और सईद इसम। अगर इनकी तरफ से प्लेयरों की बात की जाए तो सागर कल्याण और उस्मान खान, ये दो बढ़िया टीम प्लेयर हैं अपनी टीम में लेने के लिए। सागर कल्याण 2 मैचों में 6 इनिंग खेली है इन्होंने, 54 और 38 की। लास्ट मैच में 15 रन बनाए हैं लेकिन जल्दी ज़रूर आउट हुए, लेकिन स्टार्टिंग अगर 2 मैच देखें तो फॉर्म में हैं, रन बना सकते हैं। उस्मान खान किसी भी पहले मैच में बॉलिंग की उसके बाद बॉलिंग नहीं की, लास्ट मैच जो उन्होंने 58 रन बनाए हैं। किसी भी मैच में कभी भी बॉलिंग करवा सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि किस मैच में कर पाएंगे। उसके बाद RNR का, अंकुर सागवान और मोहम्मद इस्माइल, अजमल और सईद को चाहें तो आप अपनी टीम में ले सकते हैं, जिसमें मोहम्मद इस्माइल को तो टीम में लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि ये अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंक रहे हैं और डेथ में बॉलिंग भी करा रहे हैं। इनके साथ जो है सईद इसम,
भी डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं, तो इनको भी चाहें तो टीम में लेके चल सकते हैं। दुबई की अगर बात करें तो प्लेइंग 11 की मयंक चौधरी दोनों मैचों में 17-17 और लास्ट मैच में इन्होंने 3 रन की पारी खेली। रौनक पनौली की बात करें तो पहले मैच में 13, दूसरे मैच में 39, 4 ओवर की गेंदबाजी की थी, 3 विकेट निकाले और लास्ट मैच में इन्होंने 33 रन बनाए थे, 1 ओवर गेंदबाजी की और विकेट नहीं मिला। रईस अहमद पहले मैच में खेले नहीं, दूसरे मैच में 88 रन, 3 ओवर, विकेट नहीं, लास्ट मैच में 28 रन, 4 ओवर, 1 विकेट। कप्तानी या वाइस कप्तानी के प्लेयर रौनक भनौली, रईस अहमद हो सकते हैं, तैमूर अली इतने कुछ खास प्लेयर नहीं, पहले मैच में 6 39 और 1 की इनिंग रही। इनसे अच्छे हमें प्लेयर मिल रहे हैं जो बैटिंग के साथ हमें बॉलिंग का बैकअप दे रहे हैं। और पी मेहरा की बात करें तो 23 पहले मैच में, दूसरे मैच में बैटिंग नहीं और लास्ट मैच में 17 रन बनाए। सईद तारिक की बात करें तो 54-7-6 रन बनाए इन्होंने, अब विकेट कीपर सेक्शन में मिल जाएंगे। शिवाल बाबा की बात करें तो 19 रन बनाए थे पहले मैच में, 1 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट नहीं, दूसरे मैच में इन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला और लास्ट मैच में इन्होंने 13 रन बनाए। शाहिद नवाज़ की बात करें तो पहले मैच में जल्दी आउट हुए बैटिंग करते हुए, 4 ओवर गेंदबाजी, 4 विकेट, दूसरे मैच में 3 ओवर गेंदबाजी, विकेट नहीं, लास्ट मैच में जल्दी आउट हुए बैटिंग का मौका मिला, 4 ओवर गेंदबाजी, 1 विकेट। अयान अहमद की बात करें लमसम अपने हर मैच में 4 ओवरों की तरह, पहले ही मैच में 4 ओवर फेंके हैं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो 4th ओवर भी फेंक देंगे। पहले मैच में वो 4 ओवर गेंदबाजी, 1 विकेट, दूसरे मैच में 3 ओवर, 3 विकेट और लास्ट मैच में इन्होंने 9 रन बनाए बैटिंग करते हुए, 3 ओवर फेंके और 2 विकेट निकाले। इन्हें अपनी टीम में लेके चलना बनता है क्योंकि इन्होंने देखिए पहले मैच में 4 ओवर फेंके, 1 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट और दूसरे लास्ट मैच में 2 विकेट, यानी कि 3 मैचों में ये 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। इनको छोड़ देना मतलब कि शायद कहीं ना कहीं अपना मैच छोड़ देना। जिस तरीके के ये फॉर्म में है, सामने वाला आप जो अपनी टीम बनाएंगे तो सामने वाला इनको ज़रूर लेके आएगा। राहुल भाटिया की बात करें तो पहले मैच में 1 विकेट, 4 ओवर फेंकते हुए, दूसरे मैच में 2 विकेट, 3 ओवर फेंकते हुए, लास्ट मैच में 3 विकेट, 4 ओवर फेंकते हुए, इस मैच में इन्हें लास्ट मैच में बैटिंग का भी मौका मिला जिसमें ये जल्दी आउट हो गए। राहुल भाटिया की भी वही बात है कि 3 मैचों में अब तक ये 6 विकेट ले चुके हैं इनको भी, और ये भी लमसम 4 ओवर फेंक लेते हैं तो इन्हें अयान अहमद और राहुल भाटिया को हम अपनी टीम में लेके चलेंगे। वाई शर्मा की बात करें, यश शर्मा तो पहले मैच में 1 विकेट, 3 ओवर, दूसरे मैच खेले नहीं, लास्ट मैच में खेले जिसमें इन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले। अगर इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओवर की बात करें तो रौनक पनौली, शाहिद नवाज, राहुल भाटिया, डेथ ओवर में रईस अहमद, अयान अहमद, शाहिद नवाज। इनकी तरफ से जो कुछ प्लेयर अगर लेने की बात करें तो रौनक पनौली, सईद अहमद दोनों ही ऊपर आते हैं बैटिंग के लिए और हमें बॉलिंग का भी बैकअप देते हैं। उसके बाद हमें जो बैट अयान अहमद, राहुल भाटिया और यश शर्मा, भाई शर्मा को भी चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। और शाहिद नवाज लमसम हर मैच में तो अपने 4 ओवर फेंक रहे हैं, चाहे तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। और बेंच प्लेयर में आप वसीम अकरम को देख सकते हैं जो लास्ट मैच में नहीं खेले थे, इससे पहले ये खेल रहे थे। तो अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। एक मिनट दोस्तों, ये टीम हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है। आप चाहें तो इसे लाइन आउट आने तक अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता तो उसमें फेरबदल कर सकते हैं, कप्तान या वाइस कप्तान को आप पलट सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे भी ऑप्शन है जिन पे आप कप्तान या वाइस कप्तान को ले सकते हैं, जैसे कि आर पनौली, उस्मान खान, ये आपके कप्तान या वाइस कप्तान प्लेयर हो सकते हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक डेमो टीम है, कंफर्म टीम नहीं है, लेकिन अगर सब प्लेयर खेलें तो आपकी ऊपर है कि आप इस टीम से खेलेंगे या अपनी टीम से खेलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट में अपनी राय दें। धन्यवाद दोस्तों।